दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ठरकी बुड्ढे फोटोग्राफर की है जिसकी ठरक देखकर तुम भी डर जाओगे। ये बुड्ढा इतना बड़ा हफ्सी होता है कि फोटो खींचते खींचते ना जाने कब तुम्हारी चड्डी की फोटो खींच देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर ये बुड्ढा मार भी दबा के खाता है। एक दिन इस बुड्ढे को मेडिकल पर जवान होने वाला सफेद चूरन मिलता है, जिसे खाते ये बुड्ढा हीरोइन आइटम बन जाता है और फिर फोटो खींचते खींचते ना जाने कब भटाभट 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 करने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इस बुड्ढे के जवानी वाले कांडों को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है, जहाँ पर यही ठरकी बुड्ढा रहता है, जिसका नाम है डनिलो ओजाडा, जो कि एक गंदा फोटोग्राफर है। ये बुड्ढा अपनी छोटी सी दुकान पर पूरा दिन खाली बैठकर एक से एक मॉडल लौंडियों को जूम करके ताड़ता रहता था। अब डनिलो ओजाडा की हरकत देखकर तुम पता लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा लौंडियाबाज है। ये जूम वाली हरकतें तो मेरी गली के 10 साल के लौंडे करते हैं। यही नहीं, ये फोटो देखकर दिमाग में लौंडिया पेल देता है। इतनी तगड़ी फैंटेसी तो मेरी भी नहीं है, तुम्हारी हो तो तुम बताना, रिएक्शन देख के ही पता लगा लो डनिलो की हवस को। तभी इसके दुकान पर एक लौंडिया आती है, लेकिन डनिलो तो लौंडिया ताड़ने में लगा हुआ था। तो वो कहती है, अबे बुड्ढे कोर्ट में पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दे। जब बुड्ढा उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। अभी अभी तो मॉडल को देख कर इसने आंखें गर्म करी है। बुड्ढा कहता है, अरे वाह, तू तो मॉडल लाग रही है। तो वो कहती है, बुड्ढे इंग्लिश की टीचर हूँ। ये सुनते ही बुड्ढा उसे कोर्ट देकर चेंजिंग रूम में भेज देता है और खुद भी पर्दों से झांक कर अपनी आंखों को सेक रहा होता है। तभी वो लौंडिया डनिलो को देख लेती है, जिससे डनिलो की गेंद लुप हो जाती है। वो लौंडिया कहती है, अबे बुड्ढे ये क्या कर रहा है, एक रैप्ट में मुंह देगा। तो फिर बुड्ढा कहता है, अबे जा चली जा रबड़ी सी शकल की, क्यों मेरा बकोटा खड़ा कर रही है, मैं हूँ बुड्ढा बहुत हरामी। वहीं पर हम लौडा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि डनिलो का ही दोस्त होता है और ये नाई का काम करता है। लौडा कहता है, अबे डनिलो हम बुड्ढे हो चुके हैं, पर तेरी ठरक तो मान में नहीं आएगी। तो बुड्ढा कहता है, भोसड़ी के तू बात ही मत कर, पूरा दिन नचाता रहता है और मुझे से बात कर रहा। तो लौडा कहता है, झोपड़ी के तू शहर में कितनी मार खाएगा, तू मेरा दोस्त है, मुझे शर्म आ जाती है पर तुझे नहीं। तो फिर डनिलो कहता है, हाँ हाँ चल दाढ़ी बना दे। वहीं रात में ये ठरकी बुड्ढा अपनी फेवरेट हीरोइन को देखकर बावला हो जाता है और फिर हाथ गाड़ी की प्रक्रिया चालू कर देता है। इसके बाद ये अपना खोपड़ा ठंडा करता है। डनिलो अभी तक सिंगल है, यानी कि इसने अभी तक शादी नहीं करी है। अगले दिन एक लौंडा डनिलो की दुकान पर फोटो खिंचवाने आता है। फोटो खिंचवाने के बाद वो लौंडा कहता है, अबे तू तो वही गंदा फोटोग्राफर डनिलो है ना, जो हमेशा मार खाता रहता है, और इसी चक्कर में तू जेल भी जाने वाला था। जंगली कुत्ते, मुझे ये सब उस इंग्लिश टीचर ने बताया था जो कल तेरे यहाँ फोटो खिंचवाने आई थी। ये बोलकर वो लौंडा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लौंडा भागकर डनिलो के पास आकर कहता है, अबे पास में एक बार खुला है, वहाँ पैसे दे दो और लौंडियों के साथ जो मन करे वो करो। ये सुन बुड्ढा भी जाने को मान जाता है। वहीं बार में डनिलो दबा के दारूबाजी करता है। तो लौंडा कहता है, ये देख ये गोली लेगा तो वाइग्रा खाना भूल जाएगा। तो बुड्ढा कहता है, भोसड़ी के माना मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन औजार मेरा हमेशा टना टन रहता है, शक है तो आजमा के देख लियो। वहीं डनिलो एक लौंडिया को बड़ी देर से ताड़े जा रहा था और वो लौंडिया भी डनिलो को बहुत देर से इशारे कर रही थी। फिर क्या, ये बुड्ढा उसे कोने में ले जाके गेम बजाना शुरू कर देता है। डनिलो अपनी तरफ से उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डनिलो की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो कुछ ही देर में ठंडा हो जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुझे मेरे साथ कैसा लगा। तो वो लौंडिया हंसने लगती है और कहती है, अबे बुड्ढे शिलाजीत खा ले, वरना तेरी मिसाइल बुढ़ापे से पहले ही टूट कर निकल जाएगी। तो बुड्ढा कहता है, झोपड़ी की बुड्ढा यूं जवान थोड़ी। तो वो लौंडिया डनिलो को एक सफेद चूरन के बारे में आती है, जो बुड्ढे को जवान बना देती है। वो दवा हमारे शहर में ही मिलती है, जा बुड्ढे जा जवान हो जा, पर मुझे ये नहीं पता वो कहाँ मिलती है। अब इसकी बात सुनकर डनिलो सोच में पड़ जाता है, साली ये कौन सी रगड़ा दवाई है, और आंखें मटका कर वो लौंडिया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था और डनिलो भी वहाँ पहुँच कर उसकी एक से एक फोटो खींच रहा था। उसे देख कर तो बुड्ढे के मुँह में पानी आ रहा था कि कैसे मैं इससे भटाभट करूँ। इसी बीच मॉडल का फोटोग्राफर सभी फोटोग्राफर्स को फोटो खींचने को मना कर देता है, क्योंकि मॉडल को दोबारा से मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सभी फोटोग्राफर से रुक जाते हैं और अंदर मॉडल का मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं डनिलो मौका देखकर मॉडल के पास आकर उसका नाम पूछता है। इसी बीच मेकअप मैन सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है, तो ये बुड्ढा उसे बातें करने लगता है। बातों बातों में डनिलो मॉडल की बॉडी को टच करने लगता है। तो मॉडल कहती है, बेटा मेरे रेट बहुत हाई है, जिसमें तू बिक जाएगा, और वैसे भी मैं सिर्फ अमीर लोगों के पास ही जाती हूँ, और तू तो वैसे भी जंगली बूढ़ा लग रहा है, और ऊपर से तू बूढ़ा गरीब लग रहा है। ये सुनकर बुड्ढा गुस्से में बावला हो जाता है। वो कहता है, बहन की गोली तेरा गला ही दबा देता हूँ, तेरा रेट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेकअप मैन वहाँ पर आ जाता है और उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर आकर डनिलो को बहुत मारता है और उसे लात मारकर वहाँ से भगा देता है। अब मार खाने के बाद वो गली गली में कुत्तों की तरह घूम रहा था और डनिलो बस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन डनिलो
उसका मुकाबला कहाँ कर पाता। वो गुस्से में पूरे शहर में डोलता रहता है। तभी उसकी नजर एक दवाई वाली दुकान पर जाती है। उसे देखकर डनीलो को भी उसी बार वाली लौंडिया की बात याद आती है, जिसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ एक लौंडिया बैठी थी। डनीलो उसके पास जाकर बोलता है, मुझे जवान होने वाला सफेद चूरन चाहिए। तो वो लौंडिया कहती है, अबे भोसड़ी के बुड्ढी गेंड, ऐसे कौन सी दवा आ गई, मुझे भी बता दे, हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। ये सुनकर बुड्ढा उदास होकर जाने लगता है, पर तभी एक औरत उसे रोक लेती है, जिसका नाम लीजा था। वो डनीलो को अपने बॉस का आदमी समझती है। वो कहती है, बॉस का फोन आया था और मैंने ये दवा तैयार कर ली है। लीजा एक छोटा सा बॉक्स उठाकर डनीलो को दिखाती है कि ये सफेद चूरन तुम्हारे बॉस को जवान लौंडा बना देगा, क्योंकि मैंने इसे कई सारी जड़ी बूटियों से बनाया है। वहीं डनीलो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये झोपड़ी की क्या बोले जा रही है, पर वो चुपचाप उस दवाई को ले लेता है। थोड़ी देर बाद डनीलो दवा लेकर घर पर आ जाता है और एक ख्याल में खो जाता है कि सब लोग उसे बुड्ढा बोलकर उसकी झंड मारते थे, तो इसीलिए वो उस चूरन को पानी में घोलकर एक ही सांस में पी जाता है और थोड़ी देर में वो सो जाता है। अगले सुबह डनीलो उठकर सबसे पहले मुंह धोता है और जैसे ही वो शीशे में मुंह देखता है तो वो पूरा हैरान रह जाता है। अबे तेरी, मैं तो जवान हो गया, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और यहीं से वो मन में सोच लेता है कि अब देख हर जगह बस प्रोग्राम ही प्रोग्राम करूंगा। तभी डनीलो के गेट पर से कहाट आती है, जिसे सुनकर वो बुड्ढा घबरा जाता है। डनीलो जैसे ही गेट खोलता है तो वो अपने सामने लौंडा को देखता है, जिससे उसकी फट जाती है। लौंडा कहता है, भोसड़ी के तू कौन है और मेरा दोस्त डनीलो कहाँ पर है? तो वो कहता है, डनीलो तो कुछ दिन के लिए बाहर गया है, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर लौंडा को शक हो जाता है, पर तभी डनीलो गेट को बंद कर देता है। अगले दिन उसी बिल्डिंग में अब एक नई मॉडल का फोटोशूट हो रहा था, तो डनीलो भी डर डर के वहाँ पर फोटोशूट करने आता है। जैसे ही वो लोग डनीलो को देखते हैं, सभी के सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। मैनेजर के पूछने पर डनीलो उसे बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं अभी फोटो खींचना चाहता हूँ। वहीं वो मॉडल उसे देखकर उसकी दीवानी हो जाती है और उसे अपनी फोटो खींचने को बोलती है। डनीलो भी ऐसी ऐसी फोटो क्लिक करता है कि वो मॉडल तो उसकी जवानी पर फिदा हो जाती है, और सबसे पहले वो इसे ही दबा के भपेड़ता है। और यहाँ से ही डनीलो हर दिन रात शाम से बेबस अलग अलग मॉडलों से भटाभट करता रहता था। अब डनीलो की लाइफ तो पूरी तरह से बदल चुकी थी, और ये बीच बीच में जवान वाला चूरन भी खाता रहता था ताकि इसकी जवानी बरकरार रहे और कोई इसका राज ना जान सके। एक दिन डनीलो मॉडल के साथ नाइट पार्टी में जाता है। इस पार्टी में तो एक से एक लौंडिया थी, जिन्हें देखकर डनीलो ओजाडा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी, उसे देखकर डनीलो वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम नटालिया होता है। डनीलो नटालिया से कहता है, कैसे सैड बैठी है, हैंडपंप से खेलेगी? तो इस पे नटालिया भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर ले जाती है और वो दोनों पूरी रात भटाभट करते रहते हैं। अगली सुबह डनीलो जैसे ही जागता है, वो शीशे में देखता है कि वो फिर से बुड्ढा हो चुका है। वहीं नटालिया अभी भी सो रही थी, और उसे नींद में ही छोड़कर डनीलो सीधा फूर्ति में दवा खाने में जाता है और वो वहां पर सफेद चूरन मांगने लगता है। तभी बुड्ढा वहां पर बॉक्स देखता है और उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वहां पर लीजा आकर उसे समझाती है कि इसमें कोई भी चूरन नहीं है। मगर बुड्ढा कहता है, चल हट झोपड़ी की, इसमें दवाई भरी हुई है, झूठ मत बोल। बुड्ढा अब हमेशा जवान दिखना चाहता था, इसीलिए वो लीजा को जान से मार देता है और जल्दी से वो अपने घर आता है। जैसे ही बुड्ढा वो बॉक्स खोलता है तो उसमें ना बराबर ही चूरन होता है। ये देखकर बुड्ढा बावला हो जाता है। ये बुड्ढा हर हालत में खुद को जवान बनाना चाहता था, इसीलिए वो बॉक्स में बचे हुए चूरन को चाटने लग जाता है ताकि वो फिर से जवान बन सके। अगली सुबह डनीलो फिर से जवान हो जाता है, पर तभी फिर से कोई गेट को नोक करता है। डनीलो जैसे ही गेट को ओपन करता है तो वो लौंडा को देखता है। वो कहता है, आ गया मेरा दोस्त? तो वो कहता है, नहीं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। तभी लौंडा कहता है, बेटा मुझे हूतिया मत बना, तू ही डनीलो है और तूने जवान दिखने के लिए चूरन खाया है, साथ में तूने उस चूरन के लिए मेडिकल की ओनर को भी मार दिया है। ये सुनकर डनीलो दंग रह जाता है, तो वो लौंडा को भी अंदर खींच कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद डनीलो बन ठन के नटालिया के घर जाता है, जहां वो दोनों दिन रात प्यार मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह जब डनीलो उठता है तो वो देखता है कि उसके पास से नटालिया गायब है, और अब उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। वो जैसे तैसे उठकर नटालिया को ढूंढने लगता है। तभी वो बाथरूम में एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखता है, तो डनीलो उससे पूछता है, अबे तू कौन है? तो वो औरत उसे बताती है कि मैं ही नटालिया हूँ। ये सुनकर डनीलो पूरा हैरान हो जाता है। वो कहता है, तू नटालिया नहीं हो सकती। तो वो उसे बताती है कि मैं बुड्ढों से जवान होने वाली दवा खा के जवान हुई थी, और किसी ने उस दवाई बनाने वाली औरत को मार दिया, जिससे वो दवाई मुझे नहीं मिल पाई और मैं पूरी तरह से बुड्ढी हो गई। नटालिया की ये बात सुनकर बुड्ढा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसी ने दवाई बनाने वाली औरत को मारा था। देखते ही देखते डनीलो भी बुड्ढे आदमी में बदल जाता है। ये देखकर नटालिया भी हैरान हो जाती है, और ये दोनों तड़प तड़प के धीरे धीरे मर जाते हैं, क्योंकि लीजा ने पहले उसे बताया था कि जो भी इस दवा का ज्यादा सेवन करेगा वो मर जाएगा, और ऐसा ही होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।